हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न झारखंड। दोस्तों आइए, आज की इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे एक कविता है जिसका नाम है एक एक एक, हमनी सब एक। ये जो कविता है ये लिखा गया है श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा, हमनी सब एक। दोस्तों सबसे पहले इस कविता को आगे कवर करने से पहले हम लोग ये जान लेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि जीएसएससी सीजीएल और झारखंड नगर पालिका और झारखंड का जो इंडस्ट्रियल वाला जो वैकेंसी निकला है औद्योगिक वाला, उसका जो खोरठा का सिलेबस है, तीनों का सिलेबस दोस्तों सेम है। इसीलिए इस चैनल पे संपूर्ण खोरठा का आपको तैयारी करवा दिया जाएगा और एक सीट आपका पक्का रखवाया जाएगा, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे ताकि जो भी वीडियोज अपलोड होंगे लेटेस्ट, उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और अन्य वैसे लोगों तक भी ये चैनल को शेयर करें जो गरीब हैं, जो पैसे देकर के कोर्स नहीं खरीद सकते हैं और उन्हें पढ़ना है, उन्हें नौकरी लेना है, क्योंकि हमारे झारखंड में आधा से ज्यादा लोग दोस्तों गरीब हैं। तो ऐसे लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए जो फ्री में पूरा का पूरा ऐसा कंटेंट जो दोस्तों पीडीएफ कोई जल्दी प्रोवाइड करवाता नहीं है अपने क्लासेस की। मैं अपने इस क्लासेस की हर क्लासेस की पीडीएफ आपको अवेलेबल करवाता हूं, ठीक है। तो विथ स्मार्ट पीडीएफ्स, विथ स्मार्ट कॉन्सेप्ट लेक्चर, फ्री ऑफ कॉस्ट, नो पैसा, एक रुपया भी नहीं है ना। तो आप हर वैसे लोगों को इस चीज को प्रिफर करेंगे जो पैसे से कोई कोर्स खरीद नहीं पाते हैं। सारा कोर्स इसी चैनल पे लर्न झारखंड के अंदर आपको मिलेगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, हमनी सब एक, ये जो कविता लिखा गया हमनी सब एक श्रीनिवास पानुरी जी के द्वारा, तो सबसे पहले देखते हैं कि श्रीनिवास पानुरी जी कौन है, इनका क्या खोरठा में योगदान रहा है ना। आइए चलते हैं। दोस्तों देखिएगा, श्रीनिवास पानुरी जी को सबसे पहले ध्यान देंगे कि इन्हें अखय बोर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इन्हें? अखय बोर है ना। अखय बोर इनको कौन कहा था? शांति भारत ने इन्हें नाम दिया अखय बोर, ठीक है। अखय बोर कहीं कहीं आपको अक्षय बोर भी देखने को मिलेगा, अखय बोर या अक्षय बोर है ना। चलिए, और इन्हें खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक भी कहा जाता है, कि मतलब ऐसा माना जाता है कि खोरठा को इन्होंने पाला पोसा बढ़ाया उपजाया फैलाया, इसीलिए खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक भी कहा जाता है। किनको? श्रीनिवास पानुरी जी को। इनका जन्म, हालांकि ये भी जिंदा नहीं है, ये मर गए, ठीक है। तो इनका जो जन्म है वो 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। कहां पे? धनबाद जो जिला है, तो कल्याणपुर में एक जगह है बरवड्डा, वहां पे इनका जन्म हुआ है। इनकी माता का नाम था दुखनी देवी, पिता का नाम था शालिग्राम पानुरी, और मैट्रिक ये 1939 में पास किए। कहाँ से? जिला स्कूल धनबाद से। इनका पेशा था दोस्तों धनबाद में पुराना बाजार में पान गुमटी चलाना। ये बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करते थे और इनके पिताजी जल्द ही मर गए थे, इसीलिए पूरा घर का बोझ इन पर आ गया था और ये अपना पढ़ाई को दसवां के बाद पूरा नहीं कर पाए और ये क्या करने लगे, धनबाद का एक पुराना बाजार है वहां पर पान का गुमटी चलाने लगे ताकि अपने घर परिवार का भरण पोषण पालन हो सके। इनका जो कीर्ति है, देखिएगा ये सब जो कीर्ति है इनका, बाल किरण, दिव्य ज्योति, खोरठा कविता, समाधान, मेघदूत, राम कथामृत, आंखें गीत, गीत संग्रह जो पुराने सिलेबस में हमें पढ़ना था, पारिजात काव्य, अजनाश नाटक और अग्नि परीक्षा उपन्यास, उद्भाषण कर नाटक जो हमारा पुराना वाला सिलेबस में पढ़ना इसको था, ठीक है। संपादन ये कुछ पत्रिका का किए हैं, जैसे कि तितकी पत्रिका का संपादन इन्होंने 1951 में किया और ये क्या था, ये लोकगीत संग्रह था, है ना। और 1957 में मातृभाषा नामक मासिक पत्रिका का इन्होंने संपादन किया। उसके बाद 1970 में खोरठा नाम का पखवारी पत्रिका था और माला का फूल कविता संग्रह भी इन्होंने लिखे हैं। और ये जो पॉइंट है ये बहुत भिव्याई है कि अपने जीवन में एक टोटल 40 किताब लिखे हैं। इतना किताब आज तक कोई भी नहीं लिख पाए खोरठा के ऊपर जितना कि लिखे हैं स्वर्गीय श्रीनिवास पानुरी जी, है ना। और ये क्या थे?
रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग में संपादक मंडल के सदस्य भी बने। इनकी जो भाषा शैली थी ये क्या थी, इनकी भाषा शैली खोरठा और हिंदी दोनों मिक्स, ठीक है, बहुत अच्छा लिखते हैं, बड़ा मजा आता है पढ़ने में जो इनका लिखा हुआ होता है सारा चीज, कविता नाटक कहानी। और इनकी जो मृत्यु है 7 अक्टूबर 1986 को हुआ था, ठीक है, ये सिराय गए थे। मृत्यु को खोरठा में दोस्तों क्या क्या लिखते हैं, सिराय गेले, है ना, सिराय गेले मतलब कि मर गए थे। चलिए ये देखिए, यही है हमारे श्रीनिवास पांडे जी, श्रीनिवास नहीं, इसको क्या लिखेंगे, स्वर्गीय श्रीनिवास पांडे जी। मैं तस्वीर लगाया हूं ताकि थोड़ा सा और आपको मजा आए पढ़ने में, है ना, ये श्रीनिवास पांडे जी देखिए। तो कुछ क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए थोड़ा सा इस क्वेश्चन से बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। श्रीनिवास पांडुरी खोरठा भाषा साहित्य में किस काल को कहा जाता है, तो 1950 से लेके 1986 तक का जो बछर बने होता है वर्ष, जो वर्ष होता है ना, इस वर्ष को पांडुरी वर्ष कहा जाता है, पांडुरी खोरठा भाषा का साहित्य काल कहा जाता है, ठीक ना, क्योंकि इस वर्ष में पांडुरी जी बहुतों किताब उपन्यास कहानी सब लिख चुके थे। अगला सवाल है, पांडुरी जी का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ है, तो बरवड्डा धनबाद में हुआ। अगला सवाल है दोस्तों, श्रीनिवास पांडुरी का जन्म कब हुआ, तो 25 दिसंबर 1920। इनकी मृत्यु कब हुई है, तो श्रीनिवास पांडुरी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो देखिए ये यहाँ पे मिस्टेक लिखा हुआ है, है ना, अभी मैंने आपको बताया ऊपर में कि इनकी जो है मृत्यु 1986 में हुई थी, है ना, कब हुई थी, 1986 में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, और 1986 का 7 अक्टूबर का वो दिन था, ठीक है। श्रीनिवास पांडुरी जी के द्वारा खोरठा भाषा में कौन कौन सी रचना की गई है, तो खोरठा में जो था रचना मेघदूत, जिसको अनुवाद किया गया था, रामकथा अमृत, बाल किरण, आंखें गीत, रक्ते रांगल पांखा, ये सब याद रखिएगा, रक्ते रांगल पांखा, मातृभाषा पत्रिका, खोरठा पत्रिका, चावी काठी नाटक, उद्वासल कर्ण का नाटक, सबसे सबले 20 कविता संग्रह, ये सब जो है खोरठा में रचना किया गया था। आगे आइए, जरा कुछ डाटा मैंने जुगाड़ किया है। श्रीनिवास पांडुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 में धनबाद जिला के बरवड्डा में हुआ था। पिता का नाम वेरी इंपॉर्टेंट है शालिग्राम पांडुरी, माता का नाम दुखनी देवी, ठीक है, पत्नी का नाम मूर्ति देवी था, इनकी पत्नी का नाम क्या था, मूर्ति देवी था। इनका जो है इनका जो डेथ है अभी मैंने देखा 7 अक्टूबर 1986, कैसे, हृदय गति रुक जाने से, हार्ट अटैक। इनकी पढ़ाई मैट्रिक तक हुई और उसके बाद गरीबी के कारण ये आगे नहीं पढ़ पाए, बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़ी, मैंने आपको पहले बताया था, और पान गुमटी खोल करके अपने जीवन को निर्वाह करने लगे। लेकिन इन्होंने अपनी लेखन कला को नहीं छोड़ा, फिर भी इन्हें खोरठा में इन्हें इतना च्वाइस था, रुचि था कि इन्होंने खोरठा को नहीं छोड़ा, ठीक है। और उस समय में देखिए, ये उस समय की बात है जब खोरठा लिखन को कोई वैल्यू नहीं था, उस समय अंग्रेजों का टाइम पीरियड चल रहा था 1939, खोरठा का कोई महत्व ही नहीं था, जरा सा भी कुछ महत्व नहीं था, लोग इनका मजाक बना दिया करते थे, है ना। लेकिन इनकी लेखन कला से प्रभावित होकर हिंदी उस समय जगत के जो बड़े बड़े साहित्यकार थे, जैसे कि राहुल सांकृत्यान, है ना, वीर भरत तलवार, राधा कृष्ण, श्याम नारायण पांडे, शिव पूजन सहाय, भवानी प्रसाद मिश्र, जानकी वल्लभ शास्त्री, इन सब लोगों से इनका जो है लेटर के जरिए बातचीत हुआ करता था, और ये सब जो है हिंदी के जो बड़े बड़े साहित्यकार हैं इनके लिखनी को, है ना, इनके लिखनी के बारे में अच्छा कहा करते थे कि बढ़िया लिखते हैं। अब इनकी कुछ देखिए रचनाएं हैं पांडुरी जी के, क्या क्या है, पहली जो रचना था बाल किरण, ये क्या था, एक कविता संग्रह था, परीक्षा में ये भी पूछ सकता है, कब हुआ प्रकाशित, 1954 में, और उन्होंने 1957 में खोरठा भाषा के मासिक पत्रिका मातृभाषा का प्रकाशन किया, ठीक है। इस पत्रिका में टैगलाइन होता था अपना भाषा सहज सुंदर, क्या होता था टैगलाइन, अपना भाषा सहज सुंदर, माने खोरठा के बारे में, अपना भाषा सहज सुंदर, बुझे गीदर बुझे बांदर, कि इसको गीदर और बांदर ही समझ सकते हैं, बुझे गीदर बुझे बांदर मतलब कि झारखंडी लोग ही इसे समझ सकते हैं, बाहरी लोग नहीं,
1957 में रांची आकाशवाणी में इनकी कविता प्रकाशित हुई। इसके बाद उन्होंने खोरठा और तितकी कविता संग्रह नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। ध्यान दीजिएगा, खोरठा मैंने आपको पहले बताया और तितकी कविता संग्रह, ठीक है। 68 में पानुरी जी जो है कालिदास के द्वारा लिखा गया मेघदूतम का अनुवाद खोरठा में किए, ठीक है। मेघदूतम रिटन बाय कालिदास, इनका खोरठा में किया ये अनुवाद। और ये लिखने के बाद जो समय हिंदी के साहित्यकार थे कौन, राधा कृष्ण, वो जो है आदिवासी पत्रिका में पानुरी जी की तारीफ में एक निबंध भी लिखे थे, सोच लीजिए। और वीर भारत जो है थे तलवार, इन्होंने मेघदूत के बारे में कहा कि मेघदूत पढ़कर ऐसा नहीं लगा यह किसी अन्य भाषा की कहानी है, ठीक ना, यह तो पानुरी जी के गांव की कहानी लगती है। वाओ, पानुरी जी ने कार्ल मार्क्स द्वारा रचित कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो का खोरठा में काव्यानुवाद युगे की गीता नामक शीर्षक से किया। युगे के गीता, ध्यान दीजिएगा, माने ये जो कार्ल मार्क्स जो लिखे थे कम्युनिस्टो मैनिफेस्टो, इसका खोरठा में अनुवाद किए युगे की गीता के नाम से कौन, पानुरी जी। अब कुछ प्रकाशित रचना, इनकी वो रचना जो प्रकाशित हुई है, जो प्रकाशित हुई थी, है ना, इसको ध्यान रखना है। परीक्षा में कुछ भी क्वेश्चन पूछ देगा आपको जवाब देना है। उद्भाषण कर्म, आंखी की गीत, राम कथामृत, मधुक देशे, माला के फूल, दिव्य ज्योति, चाबी काटी, झिंगा फूल, किसान, है ना, कविता कुसुम, क्या नाम है, कुसुमी कहानी, ठीक है। अब अप्रकाशित, जो कि प्रकाशित नहीं हुआ, किसी कारण से छप नहीं पाया, क्या कारण था, तो आर्थिक अभाव के कारण ये सब नहीं छपा, क्योंकि कोई भी बुक को प्रिंट कराने में दोस्तों काफी पैसा लगता है, है ना। तो छोटो जी व्यंग, तो ये प्रकाशित नहीं हुई, लेकिन इनका पांडुलिपि, क्या पांडुलिपि, अभी भी ओरिजिनल पांडुलिपि अभी भी रखा हुआ है किनके पास, इनके बेटे जिनका नाम है क्या, अर्जुन पांडुलिपि, ये जीवित है, इनके पास रखा हुआ, ठीक ना। अजनास नाटक, अग्नि परीक्षा उपन्यास, मोतिक चूर, हमारे गांव, समाधान, खंड काव्य और मोह भंग, ठीक है। उसके बाद भ्रमर गीत, पारिजात काव्य, अपारिजात काव्य, है ना, और रक्ते रांगल पाखा, ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ रक्ते, है ना, रक्ते रांगल पाखा कहानी संग्रह आ जाइए। इनका उपनाम, अब पानुरी जी को बहुत सारा उपनाम दिया गया था, जैसे कि खोरठा के भीष्म पितामह, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कौन कहे थे, विश्वनाथ दसौंधी राज कहे थे। खोरठा जगत का ध्रुव तारा भी इनको कहा गया, परीक्षा में कुछ भी दे देगा कि बताइए खोरठा जगत का ध्रुव तारा किन्हें कहा जाता है, तो क्या होगा, पानुरी जी। खोरठा के वाल्मीकि, ये नाम खोरठा के वाल्मीकि नाम कौन दिए हैं, रामदयाल पांडे। खोरठा का नागार्जुन, ये विकल शास्त्री ने दिए हैं। खोरठा के टैगोर, चतुर्भुज साहू ने दिए हैं। खोरठा के भारतेंदु भी कहा जाता है, अच्छा बोर, शांति भारत। ठीक है, खोरठा शिष्ट साहित्य के जनक भी, तो इन सब चीजों से इनको जाना जाता है, ठीक ना। चलिए अब कुछ इनसे संबंधित है, कुछ तथ्य है, जरा देखते हैं। 25 दिसंबर इनके जन्म दिवस को खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्किंग वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है कि 25 दिसंबर को इनका जन्म दिवस है और इस दिन खोरठा दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। इनके 5 पुत्रों में अर्जुन पानुरी ने अपने पिता के विरासत को संभाला, मैंने नाम लिया था अभी ऊपर में कि अर्जुन पानुरी के पास इनका पांडुलिपि रखा हुआ है, ठीक है। अपने पिता के कई अप्रकाशित पुस्तकों को इन्होंने प्रकाशन करवाया, तो अर्जुन पानुरी ने सरग दूत नामक खोरठा काव्य लिखा, ये इनके जो बेटे थे अर्जुन पानुरी, इन्होंने क्या लिखे हैं, सरग दूत नाम का खोरठा काव्य लिखे हैं, ठीक है। सवले 20 कविता संग्रह, यह पानुरी जी की 20 कविताओं का संग्रह है जिसे गिरधारी गोस्वामी आकाश खुटी ने संकलित किया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ये भी, कि गिरधर गोस्वामी आकाश खुटी जी है ना, इस कविता को संकलित किया, मैंने एक जगह जमा किया, जहां तहां करके लिखा हुआ था, ठीक ना, उनको एक जगह किया गया, ठीक है। सवले 20, चलिए
अब कुछ इम्पोर्टेंट खोरठा मेंस का कुछ क्वेश्चन देखिए, कुछ मेंस के क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है ये कि खोरठा भाषा साहित्यिक प्रमुख कवि लेखक और कलाकार के कीर्तिक परिचय है ना। तो देखिए ये सब, ये सब बेसिकली ये मेंस का क्वेश्चन है, मैंने इसी इसमें डाल दिया ताकि जेपीएससी का मेंस में है ना इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको ध्यान देना है। चलिए और पूछा क्या इसमें, नहीं। चलिए अब आते हैं दोस्तों हम लोग, अब हम लोग आते हैं कविता पे, जो कविता लिखा हुआ हमनी सब एक, आखिर श्रीनिवास पानुरी जी हमनी सब एक का नारा क्यों दिए हैं, है ना, नारा क्यों दिए। जो इसको जूमिंग को मैं थोड़ा सेट कर लूं, एक सेकंड। चलिए आइए, हमनी सब एक, हमनी सब एक का मतलब क्या हुआ, हम सभी एक। हम सभी एक हैं ऐसा कहना है किनका, पांडुरी जी को, कि हम लोग अलग नहीं हैं। एक 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 हमनी सब एक, भिनु भिनु बोली भाग, कि हम लोग सब एक हैं, है ना। भिनु भिनु मतलब अलग अलग, मतलब अलग अलग, अलग अलग, कि अलग अलग हम लोगों का बोली भाग, भाग माने भाषा, अलग अलग हम लोग का बोली भाषा जरूर है। ताव हम नहीं एक, ताव माने तब भी, ताव मतलब तब भी हम लोग एक हैं। भिनु भिनु भेक, भेक माने होता है मतलब वेशभूषा, है ना, वेशभूषा, अलग अलग वेशभूषा है, चेहरा है। एक ही रकम घर द्वार, घर द्वार भी एक जैसा है, और एक और एक ही रकम, और एक ही रकम गांव, गांव भी एक जैसा है। एक ही रकम शादी ब्याह, शादी ब्याह भी जो है वो एक जैसा होता है, और पूजा पाठ भी एक जैसा होता है। तीर्थ यात्रा, यात्रा माने यात्रा, तीर्थ यात्रा भी एक है, है ना। एके 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 जे इटे मंदिर मस्जिद, ओहे इटे चर्च, की जो ईट से मंदिर बनता है, मस्जिद बनता है, वही ईट से चर्च भी बनता है, ठीक है। जे अर्थ है पुराण, जे नहीं, क्या हो गया यहाँ पर, जे मिसप्रिंट है, जे अर्थ है पुराण, और ये हो जाएगा यहाँ पर पुराने नहीं है, मिसप्रिंट है, यह हो जाएगा पुराने, है ना। जे अर्थ है पुराण, पुराने ओहे अर्थ, की जो पुराण का अर्थ है वही अर्थ पुराण का भी है। बेसिकली जो है दोस्तों, पुराण जो है ये हिंदुओं का क्या है, ये हिंदुओं का है रिलीजियस इपिक्स, काव्य वगैरह है, है ना। उसी प्रकार पुराण किसका है, मुसलमानों का है, है ना। तो यहाँ पर पुराण और पुराण दोनों का अर्थ सेम बताया है। जैसा उपदेश, भोला ने यहाँ होगा मोला माने मौलवी, जो उपदेश है ना मौलवी और पादरी देता है वही उपदेश पंडित भी देता है। एक 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 हमनी संग, वो है बात कि हम लोग साथ भी वही बात है। दूर जितना जड़ से पात, कि जड़ और पात में जितना संबंध है, देखिए जड़ और जो पात है ये पेड़ का संबंध बता रहा है, कि जड़ और पत्ता के बीच में जो संबंध है पेड़ का, वही संबंध हमारे बीच में भी है। देखते हैं एक ही पेड़ में जड़ कहां सबसे नीचे और पत्ता कितना ऊपर होता है, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे से मिले होते हैं। अगर जड़ खत्म तो पत्ता भी खत्म, ठीक ना। तो वही कह रहा है कि हम लोग के साथ भी वही बात है, दूर जितना जड़ से पात। रकत दुयो का एक, खून भी दोनों का एक है, है ना। एक 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 साधना के धरती हमन, हमनी पूर्वी, ठीक है, साधना के धरती हमनी पूर्वी, सुंदरे का सुंदर फूल, वंधुते की नदी हमनी बांधी, आपा नजदीकूल, निष्ठा की धरती हमनी करी शांति। व्यभिषेक नहीं दोस्तों, यहाँ मेरे ख्याल से अभिलेख कुछ इस प्रकार होना चाहिए, क्योंकि ये मीनिंग लेस लग रहा है, अभिलेख है तो कुछ मीनिंग बन जाता है। तो कह रहा कि साधना के धरती हम इन पूर्वी, कि हम लोगों का जो धरती है ना ये साधना का धरती है, ऋषि का धरती है, तपस्या का धरती है ना। और उसमें हम लोग सुंदरे के सुंदर फूल, और इस धरती पर क्या है, सुंदर सुंदर फूल खिला हुआ है, मतलब ये इंसानों की बात हो रही है कि हम सब जो इंसान है ना ये सुंदर फूल की तरह है इस धरती पर। साधना का धरती हमारा है, तपस्या ऋषि मुनियों का धरती है, ठीक ना। वंधुते के नदी हमनी बांधी, वंधुते का माने होता है दोस्तों एक पॉजिटिव सेंस है, दोस्ती यारी का, मीनिंग का, है ना,
कि हम लोग जो है ना बंधुत्व का नदी बांधते हैं, है ना, मतलब भाईचारे का नदी बांधते हैं, एकता का नदी बांधते हैं। तो यहाँ पर जो इसका है मीनिंग एकता भाईचारा, है ना, कुछ ऐसा करके इसका मीनिंग आएगा कि हम लोग उसका नदी बांधते हैं आपा नजदीक को, अस्थि नहीं अस्थि, ये यहाँ पर अस्थि रहेगा तो सही मीनिंग आ जाएगा, अपना अस्थि कुल, कि हम लोगों का देखते हैं कुल का जो अस्थि वगैरह होता है वो मरने के बाद जहाँ विसर्जित, जहाँ हम लोग विसर्जित करते हैं किसी अपने कुल की अस्थियों का, तो उस कुल के सभी लोगों का अस्थि भी वहीं विसर्जित होता है एक ही जगह। जैसे कि अगर आपके दादा आपके दादा के दादा जो है उनका अस्थि बनारस में बहा हुआ है, तो आपके दादा का भी जाएगा बनारस में, दादी का भी बनारस में, आपके पिता जा आपके आपके पिता का भी, आपके माता का भी, और आपका भी अस्थि वहीं जाएगा। तो एक ही कुल का कुछ अस्थि जो है ना अस्थि से इस टर्म को जोड़ा गया है। और दूसरा मीनिंग इसका ये निकल सकता है कि जो हम लोग का फैमिली है वो कुल बाय कुल बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि दूसरा कुल अगर आ जा रहा है, कोई दूसरा जनरेशन आ जा रहा है तो अलग हो जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बंधुते के नदी हमने बांधी आपन नजदीक कुल, कि हम लोग का जो कुल है, जो पूरा जनरेशन है, वो लोग मिल करके हम लोग जो है बंधुत्व का नदी बांधते हैं। और निष्ठा के धरती हमने करी शांति का अभिलेख, और हम लोग शांति से इस निष्ठा का धरती पर हम लोग रहते हैं। एक 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 के पानी मिटवी प्यास की, एक ही जो पानी है सबका प्यास मिटाता है, क्या हिंदू हो, क्या मुसलमान हो, क्या क्रिश्चियन हो, क्या सिख हो, सबका जो है पानी वही पानी सबका प्यास मिटाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि हिंदू के लिए कुछ और पानी है और मुसलमान के लिए कुछ और पानी है और बाकी धर्मों के लिए पानी अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब नेचर सबके लिए एक है तो हम लोग एक दूसरे के लिए क्यों नहीं रहेंगे। साहित्यिक माटी वास, और यही मिट्टी में हम लोग रहते हैं, जिस मिट्टी में सभी धर्म के लोग रहते हैं, और जिस मिट्टी से पानी निकलता है, और उसी मिट्टी पे हम लोग भी रहते हैं। दुखे के खेती हमने करी, मीठा आनंदे के चास, मतलब कि हम लोग जो है कि कितना तकलीफ से खेती करते हैं, और उस तकलीफ से खेती करने के बाद उस खेती का कितना मीठा आनंद आता है, कुछ ऐसा सेंस में कहा जा रहा है कि दुखे के खेती, कि हम लोग दुख से खेती करते हैं, दुख माने तकलीफ से जो है हम लोग खेती वगैरह करते हैं, और उस खेती करने के बाद जो फल होता है वो मीठा आनंद का चास होता है, मीठा आनंद का खेती होता है, ठीक है ना, ठीक ना। हमने देखी एक अनेक, अनेके देखिए कि हम लोग जो है ना एक में ही अनेक देखते हैं सबको, हम लोग एक ही इंसान में सब कुछ देख लेते हैं। और अनेके देखी एक, और अनेक जो है अनेक देखी एक, और अनेक जो है अनेकों में एक देखता है, लेकिन हम लोग एक ही में अनेक देखते हैं, ठीक है। एक 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 हमने मांझे कुछ बांदर, चीरे खातिर मायके आचर, उगलत जहर लगावत आएग, रचत नरमेध, एक 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 हम सब एक दाएंगे। देखिए क्या बोलना चाह रहा है यहाँ पे कभी, कि हम लोग के बीच में कुछ बांदर है, माने कुछ दुष्ट आत्मा है, दुष्ट प्राणी है, बदमाश है। ये किस सेंस में कहा गया होगा, ये कहा गया होगा दीकुओं के सेंस में, किसके सेंस में, बाहरी, तो क्या बोलते हैं दीकुओं, तो दीकुओं के सेंस में कहा गया कि हम लोग के बीच में कुछ बांदर है जो माँ का आचार खींचने के लिए तत्पर रहता है। माए के आचार का मतलब क्या हो गया कि अपना झारखंडी लोग, झारखंड की धरती, छोटा नागपुर की भूमि को तोड़ने के लिए, खींचने के लिए, तबाह करने के लिए, परेशान करने के लिए, छीनने लूटने के लिए तत्पर रहते हैं। और ऐसे लोग जहर उगलते हैं और आग लगाते हैं और नरमेध रचते हैं, माने कि रुद्ध युद्ध मार पीट वगैरह सब कुछ ऐसे लोग रचते हैं, फिर भी हम लोग एक हैं, एक 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 हम सब एक। इस प्रकार से दोस्तों ये बहुत सुंदर कविता था पानुरी जी का, है ना, और हम लोगों ने इसको लिया खत्म कर, और इससे जो भी इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों क्वेश्चंस, बहुत जल्द मैं क्वेश्चंस आपके बीच लेकर के आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप, है ना, बने रहेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, और इसका जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए लिंक डाला हुआ है चैनल का, इस लिंक पे आपको जाना है और आपको मिल जाएगा। अगर आप लिंक में नहीं जाएंगे तो सिर्फ आपको सर्च करना है LEARN लर्न, और बिना स्पेस का देना है, लिखना है झारखंड, दोस्तों आपको मिल जाएगा, है ना, चैनल, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।